नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैड मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ रियर व्हील ड्राइव की एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है कि पहला है बेटर हैंडलिंग इन ड्राई कंडीशन। तो इसमें जब आप एक्सेलरेशन लेते हैं तो इसका जो फोर्स है वो आपके रियर व्हील्स पे जाता है और जिसकी वजह से डाउन फोर्स प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से आपको एक बेटर हैंडलिंग मिलती है गाड़ी में। दूसरा है मोर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव में सबसे अच्छी बात है कि इसके जो इंजन से पावर है वो उसके रियर व्हील में जाती है। तो इसका मतलब है कि आपका जो फ्रंट व्हील है वो फ्री रहता है। तो इसके फ्री रहने की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है या आउट ऑफ कंट्रोल भी होती है तो इसको जो है कंट्रोल करना आसान है कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव। तीसरा है कि लेस कॉस्टली है और इसका मेंटेनेंस, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव में डिफरेंशियल, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म है, जो गियर्स हैं वो काफ़ी सिंपल है, तो इसको असेंबल करना भी आसान है। इसकी मेंटेनेंस जो है बहुत कम है कंपेयर टू फ्रंट व्हील ड्राइव, क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उसको ज़्यादा मेंटेनेंस चाहिए। लेकिन रेयर व्हील ड्राइव में ऐसा नहीं होता है। रेयर व्हील ड्राइव में सिर्फ कुछ शाफ्ट होती हैं, अगर वो टूटती भी हैं तो आपको सामने से दिख जाती हैं और उनको रिप्लेस करना भी काफ़ी आसान है। तो जो खर्च होता है वो काफ़ी कम होता है फ्रंट व्हील के मुकाबले। इसका जो डिफरेंशियल है इसको खोलने के लिए या इसको रिपेयर करने के लिए स्पेशली टूल आते हैं और इसके पार्ट्स जो हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसके ज़्यादातर पार्ट्स जो हैं अगर ख़राब हो गए हैं तो वो रिपेयर नहीं होते हैं, वो सीधा रिप्लेस हो जाते हैं। तो चौथा है नो टॉर्क स्टीयर। इसका मतलब हुआ कि आपके फ्रंट व्हील ड्राइव में कोई जो आपके फ्रंट व्हील्स हैं उसमें कोई इंजन की पावर नहीं आ रही है, तो आपके जो फ्रंट व्हील्स हैं वो फ्रीली घूम सकते हैं। तो जो एक खिंचाव मिलता है फ्रंट व्हील ड्राइव में वो आपको रियर व्हील में नहीं मिलेगा। रियर व्हील में आपको एक पुश मिलता है जिससे कि आप अपना जो स्टेयरिंग है वो काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकते हैं। पांचवा है वेट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव की सबसे अच्छी बात है कि इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है अगले पहियों और पिछले पहियों के बीच में वो 50-50 होता है, यानी जो अगले पहिए हैं और जो पिछले पहिए हैं उनके ऊपर जो वज़न है वो बराबर होता है, ना कम होता है ना ज़्यादा होता है, वो ऑलमोस्ट बराबर होते हैं वज़न में। तो जिससे इसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है और इसका पिकअप जो होता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और वेट डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे अच्छी बात है कि जब आप एक्सेलरेशन लेते हैं, ज़्यादा एक्सेलरेशन लेते हैं काफ़ी हाई स्पीड के लिए, तो आपकी गाड़ी जो है आगे से उठ जाती है, थोड़ी सी एक हल्का सा कर्व मिल जाता है गाड़ी को आगे से और पीछे की ओर डाउन फोर्स पैदा होता है, जिसकी वजह से कार को एक रोड पे एक अच्छी ग्रिप मिलती है, जिसकी वजह से कार एक हाई स्पीड पे काफ़ी अच्छे से हैंडल करने वाली स्पीड पे आप गाड़ी को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। और छठा है टर्निंग रेडियस, क्योंकि इसके फ्रंट व्हील में कोई एक्सल वगैरह नहीं होते हैं, तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट नहीं होते हैं इसके अंदर, तो इनमें कोई जॉइंट्स नहीं होते हैं, ये इंडिपेंडेंट व्हील्स होते हैं। तो क्योंकि इसमें बेकार के जॉइंट्स नहीं होते फ्रंट व्हील ड्राइव की तरह, तो जो इसमें है कि बेयरिंग है वो कम रेडियस में भी काफ़ी अच्छे से टर्न लेती है, या जो टर्निंग रेडियस है वो फ्रंट व्हील ड्राइव से जो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से मुड़ जाती है, क्योंकि इनमें कोई सीवी जॉइंट्स नहीं होती हैं कि एक लिमिट पे आके वो नहीं घूमेंगी, लेकिन सीवी जॉइंट ना होने के कारण ये काफ़ी अच्छे से, ये कम रेडियस में भी गाड़ी जो है अच्छे से टर्न हो जाती है। सातवां है टोइंग। टोइंग यानी अगर आपकी सपोज़ मान लीजिए किसी की गाड़ी कहीं ख़राब है, तो अगर आपकी गाड़ी रेयर व्हील ड्राइव है तो इससे आप किसी भी हैवी गाड़ी को टो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप हैवी गाड़ी को टो करेंगे तो आपकी गाड़ी के जो पीछे है वो ऑलरेडी वज़न की वजह से, दूसरी गाड़ी की वज़न की वजह से इस पर ऑलरेडी जो है डाउन फोर्स इसके व्हील्स पे पूरा ग्रिप मिलेगा, जिसकी वजह से ये रोड पे अच्छे से ग्रिप बना के किसी भी गाड़ी को ये आसानी से खींच लेती है। और आठवां है और लास्ट है ड्रिफ्टिंग, क्योंकि रियर व्हील ड्राइव जो है आसानी से कंट्रोल किए जा सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए अगर कहीं स्लिपरी जो सरफेस है, अगर आप सडनली आपका जो रियर व्हील है वो स्लिप कर रहा है
या ड्रिफ्ट स्किड कर रहा है, अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ऐसी प्रॉब्लम जो कई बार आती हैं कि अगर आप कीचड़ में चला, कीचड़ जो है आपकी टायर्स पे बहुत ज़्यादा लग चुका है, तो ग्रिप नहीं मिलती है, तो और इसकी वजह से गाड़ी जो है स्किड करती है, स्लाइड ड्रिफ्ट करती है। अगर आप पहाड़ पे से उतर रहे हैं गाड़ी लेके, तो इसके कारण भी जब लोड होता है काफ़ी गाड़ी में, तो इसके कारण भी रेयर व्हील ड्राइव जो है ड्रिफ्ट करता है। तो इसमें अगर आप हैंड ब्रेक और स्टेयरिंग का कंट्रोल, अगर जैसे स्पेशली इसकी ट्रेनिंग होती है, तो अगर आपको इसका अंदाज पूरी तरह से है, तो आप इसको आसानी से पहाड़ पे से, चाहे कहीं भी, चाहे जैसी भी सरफेस हो, आप उसको आराम से ड्रिफ्ट करा के गाड़ी सीधा रोड पे चला सकते हैं। तो ड्रिफ्टिंग के लिए सबसे पहले आपको इसकी क्लासेस लेनी होंगी, इसकी कुछ टेक्निक्स हैं वो आपको करनी होंगी, तब जाके आप ड्रिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन ड्रिफ्टिंग में स्टेयरिंग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि सारा काम स्टेयरिंग से ही होता है। क्योंकि भले आप ब्रेक ना यूज़ करें, लेकिन आप अपने स्टेयर से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। इस एडवांटेज के बारे में बात करेंगे रेयर व्हील के। तो सबसे पहला है कि रेयर व्हील ड्राइव को चलाने में, या कहा जाए इसकी इसको मास्टर होने में आपको काफ़ी समय लगता है, क्योंकि इसको आप आसानी से नहीं सीख सकते। अगर आप कंटिन्यूस फ्रंट व्हील ड्राइव चला रहे हैं, अगर आप सडनली रेयर व्हील ड्राइव चलाना शुरू कर दें, तो आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों गाड़ियों का फोर्स अलग होता है और दोनों गाड़ियों के स्टेयरिंग जो है वो भी अलग तरह से काम करती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि रेयर व्हील ड्राइव में मास्टर होने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि इसकी एग्जैक्ट, अगर आपको कहा जाए कि एक अंदाज़ा जो होता है गाड़ी के स्टेयरिंग का, वो आपको नहीं मिलेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसको आप जब कंटिन्यूसली चलाएंगे, तब जाके आपको कहीं इसका प्रॉपर अंदाज़ा मिलेगा। और दूसरा है इंटीरियर स्पेस, क्योंकि इसके जो इंटीरियर है वो स्पेस काफ़ी कम होता है, क्योंकि बहुत सारी आप एसयूवीज देखते होंगे, उनमें लेग रूम जो होता है काफ़ी कम होता है, लेग रूम होता ही नहीं है। तो पहला कारण होता है इसकी लेडर फ्रेम चेसी, क्योंकि लेडर फ्रेम के ऊपर ये बॉडी रखी होती है, तो इसकी वजह से भी जो है स्पेस कम होता है, लेग रूम नहीं होता है। बहुत सारी गाड़ियों में आप एसयूवीज देख सकते हैं कि उनमें ज़्यादातर में लेग रूम जो है बहुत कम होता है, या अगर आपके पैर रखने की जगह है, तो पैर जो है आपकी सीट में टच होती है, तो ये प्रॉब्लम जो है रेयर व्हील ड्राइव में ज़्यादा होती है। और तीसरा है वज़न का बढ़ना, क्योंकि रेयर व्हील ड्राइव जितनी भी गाड़ियां हैं वो काफ़ी भारी भरकम होती हैं, वो 1800 किलो, 2000 किलो या इससे भी ऊपर ही होती हैं। क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी का वज़न बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है आपकी गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी भी जो है वो कम होती जाएगी, तो ज़्यादा वज़न की वजह से कार की जो माइलेज है वो भी कम मिलेगी। चौथा है कि जितनी भी रेयर व्हील ड्राइव है वो काफ़ी महंगी आती हैं। सबसे पहले तो अगर आप रेयर व्हील ड्राइव काफ़ी अच्छी क्वालिटी की खोज रहे हैं, या थोड़ी हाई ग्राउंड क्लियरेंस वाली खोज रहे हैं, तो वो आपको सस्ती नहीं मिलेगी, उनके लिए आपको अच्छी खासी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसा कि मैंने पहले डिसएडवांटेज में कहा है कि इसको इसकी हैंडलिंग को आसानी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर सपोज मान लीजिए कि अगर आपकी गाड़ी बेस मॉडल है, जिसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं उनमें, तो अगर लो ग्रिप में अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, सपोज मान लीजिए कि वो स्लिपरी है, काफ़ी स्लिपरी है, रोड जो है गीली है, या फिर बर्फीली रोड है, या कीचड़ वगैरह है, तो अगर ऐसे में आप चला रहे हैं, तो इसको आसानी से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर आपको गाड़ी का जो कंप्लीट अंदाज़ा नहीं है, तो आप उसको आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आजकल की जो मॉडर्न गाड़ियां हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, फिर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीज़ें आती हैं, जिसकी वजह से ये सारी समस्या जो है काफ़ी जो महंगी गाड़ियां हैं उनमें नहीं होती हैं, वो आसानी से रोड पे ग्रिप बनाकर चलती हैं। तो ये था एडवांटेज और डिसएडवांटेज रेयर व्हील ड्राइव के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।